गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल. नाउ ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 12, स्टार्ट टूडेज टॉपिक. बच्चे, ये हमने यहाँ तक रीड किया था, आज हम आगे रीड करेंगे. इन अ शॉर्ट वाइल हिज काइट गॉट कैच इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. बच्चे, क्या हुआ, कुछ ही समय में जो उसका रैबिट का हैरी किसका नेम था, रैबिट का, हैरी का जो काइट था वो कहाँ पे फंस गया, ब्रांचेस में. ओके, कैच का मीनिंग होता है ट्रैप्ड, मीन्स कहीं फंस जाना. ओके, वो कहाँ पे फंस गया, उसकी ब्रांचेस में. ओके, ये देखो उसकी ब्रांचेस में फंस गया ना. ब्रांचेस क्या होती हैं, टहनियाँ. ओके, जो पेड़ में फंस गया है. हैरी बिगेन टू क्राई. बिगेन का मीनिंग होता है बच्चे स्टार्ट, मीन्स शुरू करना. क्राई मीन्स होता है रोना. ये देखिए हैरी ने क्या कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया. ओके, अ स्क्वेरल वॉज प्लेइंग ऑन दैट ट्री. बच्चे स्क्वेरल का मीनिंग होता है स्मॉल एनिमल विद अ लॉन्ग बुशी टेल. जैसे ये है एक स्मॉल एनिमल, इसकी लंबी सी टेल है. ओके, तो ये क्या है, ये ट्री के ऊपर बैठा था. ओके, तो इट सॉ हैरी क्राइंग. उसने क्या देखा कि जो हैरी है वो क्या कर रहा है, रो रहा है. ओके, तो उसने क्या कहा, इट सेड. तो उसने कहा डोंट क्राई हैरी. तो उसने बोला बच्चे कि हैरी आप रोवो मत. ओके, हैरी रो रहा है ना, तो उसने बोल दिया कि डोंट क्राई हैरी. ओके, आई विल क्लिम अप टू दैट ब्रांच एंड सेट योर काइट फ्री. उसने बोला कि मैं ब्रांच के ऊपर चली जाऊंगी और आपका जो काइट है, जो आपका पतंग है, वो सेट कर दूंगी, मींस वो सही कर दूंगी. ओके, ये देखिए स्क्वायरल ऊपर चली गई है ना, तो उसने क्या किया, उसने ऊपर जाकर देखा कि जो हैरी है वो रो रहा है. क्यों रो रहा है, क्योंकि जो उसका पतंग है वो किस में फंस गया, ब्रांचेस में फंस गया, पेड़ में फंस गया. तो वो क्या कह रही है कि आप रोवो मत, मैं आपका जो काइट है वो नीचे ले आऊँगी सेट करके. ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.